Oh yeah. No. Hey guys, क्या बात है? Welcome to the channel Vicky's BLUEBIRD. मैं हूँ आपका दोस्त Vicky. आज एक और नया और अनोखा Minecraft Survival gameplay के साथ. So guys, Minecraft Survival का आज हम तीसरा episode करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे कुछ animal breeding और कुछ mining. तो भाई चलिए शुरू करते हैं. तो भाई सबसे पहले तो हमने कुछ fence लगाया अपने गाय को लेने के लिए और wheat लेके चले गए गाय को उठाने के लिए. और भाई लाने के समय रास्ते में हमने उन दोनों को खाना खिला दिया और भाई ये दोनों काम करने लग गए. और भाई इन्होंने तीसरा महाशय मतलब पैदा कर दिया. तो भाई इनको अंदर लेके चले गए अपने फेंस के अंदर और भाई छोड़ दिया इनको फेंस के अंदर. तो भाई सबसे पहली बात तो यार, पिछले एपिसोड में मतलब किसी और घर में था मैं और अभी किसी और घर में हूँ. क्योंकि यार पिछले एपिसोड में मतलब जिस घर में था ना, उस घर से मैं निकला माइनिंग करने के लिए और भाई बीच में मैं भटक गया और मतलब यहाँ पहुँच गया और यहीं पर मैंने अपना नया घर बसा लिया. तो यार यहीं पर मेरे को एक लावा का कॉकपिट मिला था, तो उसी के अंदर मैंने अपना घर बसा लिया. मतलब पानी डाल के उसको ऑब्सीडियन बना के घर बसा लिया. तो भाई हमको एक एंडरमैन मिला, जिससे हम फाइटिंग करते करते उसको मार डाला रहे. फिर हमने मतलब एंडर पर लिया और अपने घर के अंदर जाके उसको रख दिया चेस्ट के अंदर. और फिर गए भाई मतलब नेदर कुछ माइनिंग करने के लिए, नेदर ब्लॉक्स का, ताकि हम अपना घर को कंप्लीट कर सके कुछ रेडिश कलर में. और भाई उस नेदर से हमने कुछ नेदर ब्लॉक्स बनाया और फिर हमने कुछ माइनिंग करने के लिए एक आयरन पिकाक्स को रेडी किया और भाई चले गए अपने घर के बगल में माइनिंग करने के लिए. तो भाई गूगल में सर्च करने के बाद हमको पता चला कि भाई मतलब 5 to 12 का जो वाई रेंज है ना, उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा डायमंड कॉमन होता है. तो हम सोचे भाई क्यों ना वही चले जाएँ. तो भाई बीच में माइनिंग करते करते कुछ आयरन भी मिला, तो यार उसको भी उठा के चले गए हम. और भाई ऐसे करते करते मैं 12th वाले वाई का 12th एक्सिस पे मैं पहुंच गया और भाई शुरू किया और कुछ माइनिंग. तो भाई ऐसे करते करते मतलब माइनिंग करते 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 मतलब करते ही करते हमको मिला एक केव. और भाई मतलब केव मतलब एक बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर हमको बहुत बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं. तो भाई चलिए उस अच्छे अच्छे चीज़ को देखते हैं. तो भाई हमने सबसे पहले तो मिला आयरन, तो भाई हम खुश हो गए, वाह वाह आयरन की लॉटरी लग गई आज तो. तो भाई करीब 100 आयरन मिला मेरे को. और भाई आयरन को माइनिंग करते करते हमको दिखा क्या, ये तो डायमंड है रे बाबा. तो यार सबसे पहले मतलब मैं पता नहीं किस होश में था, मैंने उसको मतलब देखा नहीं. और भाई मतलब मैं क्या करता हूँ यार, वीडियो सबसे पहले बना देता हूँ फिर बाद में उसका वॉइस ओवर करता हूँ, तो यार मैचिंग नहीं रहता. क्योंकि भाई मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता. तो भाई जो भी किया मस्त एंजॉय करना. तो भाई मतलब आयरन गोल्ड डायमंड सब अगल बगल में सब पार्टी कर रहे थे भाई हमारे लिए. मतलब सबसे पहले तो सारा आयरन लिया, फिर कुछ देखा मतलब हम तो अपने अंदर का जो खुशी था हम रोक ही नहीं पाया, मतलब खुशी खुशी हो गए हम. तो भाई सबसे पहले मतलब देखा कि कहीं अगल बगल और कोई डायमंड तो नहीं रह गया ना, कुछ आयरन तो नहीं रह गया ना. तो भाई सबसे पहले तो मतलब सारा देखा कि कितना टोटल कितना डायमंड मिल सकता है हमको. फिर भाई मतलब आगे पीछे नीचे ऊपर सब फुल निकाल दिया, इसका पत्थर जो भी कोबल स्टोन था सब निकाल के भाई पता चला मतलब इतना बड़ा वाला स्टैक. मतलब देखो यार 1 2 3 4 स्टैक्स ऑफ डायमंड मिला. मतलब देखो भाई क्या लॉटरी लग गए हमारे तो. और भाई किया माइनिंग शुरू और भाई वाह वाह मिल गया डायमंड, वाह वाह. तो भाई सबसे पहले मतलब मेरे लिए तो भाई नई बात है, क्योंकि सर्वाइवल में मैं यूजुअली क्रिएटिव खेलता हूँ, लेकिन सर्वाइवल में पहली बार खेल रहा हूँ और भाई मेरे को मिल गए डायमंड्स. तो भाई सच बोलूँ तो यार मैं सिर्फ डायमंड के लिए सर्वाइवल खेल रहा था, ताकि मैं कभी डिस्कवर कर पाऊँ कि डायमंड मिलना कैसा रहता है. तो भाई आगे चला तो मेरे को मिला लैपिस लजुली, जिसको यूज़ किया जाता है एन्चेंटमेंट के लिए. तो भाई जब किसी चीज़ को एन्चेंट करना होता है तो इसको डाल के एन्चेंट करते हैं. तो भाई इस केव के अंदर जाके मतलब करीब 20-30 गोल्ड का बार मिला मेरे को. और भाई मैंने अपना घर कंप्लीट करके मतलब घर के ऊपर ही शुरू कर दिया फार्मिंग. तो भाई कैसा रहा हमारा आज की वीडियो ज़रूर बोलना कमेंट सेक्शन में, तो हम सबके कमेंट ना पढ़ते हैं साथ साथ, तो भाई ज़रूर कमेंट कर देना. चले भाई चलते हैं, बाय बाय टाटा.